माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है। उस दिन श्रद्धालु गंगा और अन्य सभी देविक नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य और पूजा अर्चना का फल अन्य और दिनों के मुकाबले 100 गुना अधिक रहता है। ज्योतिषाचार्य अश्र मिश्रा के मुताबिक इस वर्ष की 9 फरवरी 2024 में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन कुछ राशियों पर खास प्रभाव पड़ने वाला है, और अगर आपकी भी राशि इन राशियों में से एक है तो भूल कर भी उस दिन कोई भी शुभ कार्य या किसी व्यवसाय की शुरुआत या किसी महत्वपूर्ण फैसले को ना करें। देखिए, जो असर सबसे ज़्यादा पड़ना है वो मकर राशि में पड़ना है, क्योंकि जो चंद्रमा अस्त हो रहे हैं वो मकर राशि में ही अस्त हो रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातक ज़्यादा बेहतर यही होगा उन लोगों के लिए कि उस दिन अगर कोई सा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो उन कार्यों को वो 2 दिनों के लिए स्थगित कर दें, 2 दिन बात कर लें, उनके लिए श्रेष्ठ और हितकर होगा। और अब बात आती है कि और किन किन राशियों पर आता है। जो मन का स्वामी है अगर वो अस्त है तो इसका सीधा सीधा रूप ये होगा कि हर किसी इंसान पे इसका असर होगा ही होगा, चर हो चाहे वो अचर जीव हो, उन सब पे ही इसका असर होगा। फिर भी जो मकर के बाद अगर कम असर देखा जाए तो वो है मेष राशि, कर्क राशि। जो चंद्रमा से जुड़े शुभ फल मिलने थे उस दिन वो उस फल से वंचित हो जाएंगे, उससे कम असर होगा। वृषभ, सिंह और ये वृश्चिक राशि, इन पे भी जो चंद्र का असर है वो नहीं देखने मिलेगा। और जो दूसरी राशियां हैं जैसे कुंभ और धनु, इसमें जो आगे पीछे की राशियां हैं इनकी, तो जो आगे पीछे के जो ग्रह बैठे होते हैं जिनसे एक योग बनता है वो उस योग से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए श्रेष्ठ और हितकर ये होगा कि अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का हम त्याग कर दें, वो सबके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उस दिन हम सब पूजा करें, भगवान चंद्र का बल बढ़ाएं, भगवान शिव की पूजा करके, भगवान चंद्र की पूजा करके, जितनी भी दैविक नदियां हैं उन सब में स्नान करके चंद्र को अर्घ दें, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। चंद्र के नाम से अर्घ दें वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अब ये ना सोचे चंद्र तो दिखेगा नहीं कि हम उन लोगों को अर्घ कैसे दें, तो ये सिर्फ एक कहने की बात है। चंद्र तो जीवित हैं, आप उनके नाम से अर्घ दीजिए। बस अंतर इतना आ जाता है कि उस समय उनका जो है मुख बस जीवित होता है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भगवान चंद्र को अर्घ अवश्य दें।